चौथे टेस्ट मुकाबले के लिए घोषित हुई टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 कप्तान रोहित शर्मा ने किए बड़े बदलाव। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का आखिरी मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाना है। इस मुकाबले के लिए टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने अपनी प्लेइंग 11 का भी ऐलान कर दिया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार टीम इंडिया का ये मुकाबला कितने बजे शुरू होगा, टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों टीमें किन 11 खिलाड़ियों के साथ मैदान पर उतर रही है, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। साथ ही बताएंगे कि यहाँ की पिच किस प्रकार की रहने वाली है। तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो दोस्तों बने रहे वीडियो के पूरे आखिर तक। और साथ ही अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें अगर आप भी चाहते कि टीम इंडिया आखिरी मुकाबला जीतकर इस सीरीज को अपने नाम करे। तो दोस्तों, अब तक देखा जाए तो इस सीरीज के सभी मुकाबले 3 दिन के अंदर अंदर ही समाप्त हो चुके थे। ऐसे में पिच को लेकर काफ़ी ज़्यादा सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पर अहमदाबाद की पिच क्या होगी इसके लिए भी पिच क्यूरेटर ने इसके बारे में बता दिया है। उन्होंने कहा कि अहमदाबाद में आखिरी मुकाबला 24 जनवरी 2023 को रणजी ट्रॉफी का हुआ था। उसमें रेलवे और गुजरात की टीमें एक दूसरे के आमने सामने भिड़ी थी, जहाँ पर पहले मुकाबले में कुल 508 रन बने थे, यानी कि पहली इनिंग में। तब कुल 30 में से 12 विकेट तेज गेंदबाजों को मिले थे। ऐसे में ठीक उसी प्रकार की पिच यहां पर भी बनाई जा रही है, यानी कि देखा जाए तो इस बार पिच में रनों की भरमार होगी। वहीं पर अहमदाबाद में जब भारतीय टीम पिछला मुकाबला फरवरी 2021 में खेली तो 2 दिन में ही वो मुकाबला समाप्त हो गया था, लेकिन इस बार पिच ऐसी नहीं होगी और मुकाबला कम से कम 4 दिन तो चलेगा ही। वहीं पर दोस्तों, अब हम बात करते हैं इस मुकाबले के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम की प्लेइंग 11 की। तो इस टीम की तरफ से उस्मान ख्वाजा और ट्रेविस हेड पारी की शुरुआत करेंगे। तो वहीं पर टीम के लिए नंबर 3 पर मार्नस लाबुसेन उतरेंगे। इन टॉप ऑर्डर के 3 खिलाड़ियों के ऊपर तो काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारी होगी, जबकि नंबर 4 पर टीम के कप्तान स्टीव स्मिथ उतरेंगे, तो इन्हें भी बड़ी पारी जरूर खेलनी होगी। वहीं पर इसके बाद दोस्तों, नंबर 5 की हम बात करें तो इस टीम की तरफ से पीटर हैंडस्कॉप हमें नंबर 5 पर खेलते हुए दिखेंगे, जबकि दोस्तों नंबर 6 पर कैमरून ग्रीन उतरेंगे, तो नंबर 7 पर विकेट कीपर बल्लेबाज एलेक्स कैरी उतरने वाले हैं। इन दोनों से भी टीम को अच्छे परफॉर्मेंस की उम्मीद होगी। इसके बाद मिचेल स्टार्क नंबर 8 पर उतरेंगे, तो नंबर 9 पर नेथन लियोन उतरने वाले हैं। वहीं पर नंबर 10 की बात करें तो यहाँ पर टॉड मर्फी उतरेंगे, तो नंबर 11 पर मैथ्यू कुहनमैन उतरेंगे। हालांकि यहाँ पर पिच को देखा जाए तो इन्हें एक तेज गेंदबाज की और जरूरत पड़ सकती है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर इसी प्लेइंग 11 के साथ ये टीम उतरने वाली है। दूसरी तरफ दोस्तों, टीम इंडिया की प्लेइंग 11 की बात करें तो टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में रोहित शर्मा के साथ सुमन गिल पारी की शुरुआत करते हुए नजर आएंगे। पिछला मुकाबला तो दोनों बल्लेबाजों का अच्छा नहीं गया था, लेकिन इस मुकाबले में इन्हें शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाना होगा। वहीं पर दोस्तों, इसके बाद नंबर 3 पर चेतेश्वर पुजारा उतरने वाले हैं। चेतेश्वर की बात करें तो पिछले मुकाबले की दूसरी पारी में शानदार पारी खेली थी, तो यहां पर एक बार फिर अच्छा परफॉर्मेंस करना होगा। तो वहीं पर नंबर 4 पर विराट कोहली खेलते हुए नजर आएंगे। उम्मीद करते हैं कि विराट कोहली कम से कम सीरीज के आखिरी मुकाबले में 1 शतक तो ठोकेंगे, क्योंकि अब तक इनकी सीरीज भी अच्छी नहीं गई है। वहीं पर नंबर 5 पर हमें खेलते हुए नजर आएंगे रविंद्र जडेजा, तो नंबर 6 पर श्रेयस अय्यर उतरेंगे। श्रेयस अय्यर और रविंद्र जडेजा से भी काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस की उम्मीद होगी। वहीं पर इसके बाद दोस्तों, नंबर 7 पर हमें खेलते हुए नजर आएंगे अक्षर पटेल, तो नंबर 8 पर हमें सरीकर भारत खेलते हुए नजर आएंगे। इन दोनों बल्लेबाजों को भी अच्छा परफॉर्मेंस करना होगा। वहीं पर नंबर 9 पर हमें रविचंद्रन अश्विन खेलते हुए दिखेंगे, तो नंबर 10 पर टीम इंडिया की तरफ से उमेश यादव दिखेंगे, जबकि नंबर 11 पर हमें खेलते हुए दिखेंगे मोहम्मद शमी। यानी कि दोस्तों, इस आखिरी मुकाबले से मोहम्मद सिराज को आराम दिया जाएगा। वैसे भी मोहम्मद सिराज की गेंदबाजी उतनी अच्छी नहीं रही है जितनी अच्छी रही है मोहम्मद शमी और उनके साथ उमेश यादव की। तो वहीं पर दोस्तों, अब इस मुकाबले के शुरू होने के समय की हम बात करते हैं। मुकाबला भारतीय समय अनुसार सुबह 9:30 पर शुरू होगा 9 मार्च को। तो दोस्तों, क्या लगता है कौन सी टीम जीतेगी इस मुकाबले में, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।